ओम शांति। 29/7/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिंस का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम्हें अब अपने हमजिंस का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत, रात के राही। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिंस को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे।